हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। माधुरी लिमिटेड अपनी अंश पूंजी 10 रुपए वाले प्रत्येक 5 भारित अंशों के बदले 4 इक्विटी अंशों का 27 रुपए पर निर्मल करके बढ़ाती है। तो माधुरी लिमिटेड अपनी अंश पूंजी को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो अंश पूंजी का निर्मल कर रही है। तो जो विद्यमान अंशधारी हैं, जिस किसी के भी पास 5 अंश भारित किए हुए हैं, पहले से 5 अंश लिए हुए हैं 10 रुपए अधिक मूल्य वाले, उसको 5 अंशों के बदले 4 इक्विटी अंशों के निर्मल का प्रस्ताव रखती है। जिसके पास 5 है उसको नए 4 इक्विटी अंश दिए जाएंगे, निर्मित किए जाएंगे, और प्रत्येक अंश का मूल्य होगा 27 रुपए। तो 27 रुपए इश्यू प्राइस है, 27 रुपए पर नए अंशों का निर्मल किया जा रहा है। तो विद्यमान अंशधारियों को जब नए निर्मल का प्रस्ताव रखा जाता है तो ऐसे अंश अधिकार अंश कहलाते हैं। तो 5 अंश जो है वो तो पहले से धारण किए हुए थे, अब जब नए अंशों का निर्मल किया गया है और उसका जब प्रस्ताव रखा गया है विद्यमान अंशधारियों को, जिनके पास 5 थे उनको 4 अंशों का प्रस्ताव दिया गया है, तो ये जो 4 अंश है ये अधिकार अंश कहलाते हैं। हालांकि ये होते तो सामान्य अंश ही है, लेकिन इन अंशों को खरीदने का जो अधिकार है वो विद्यमान अंशधारियों को है। तो जिसके पास 5 है उसको 5 के बदले 4 अंशों के निर्मल का प्रस्ताव रखा गया है। तो विद्यमान अंशधारियों को इन अंशों को खरीदने का अधिकार होने की वजह से इन अंशों को अधिकार अंश कहा जाता है। कंपनी ने पिछले वर्ष के लिए 3 रुपए नगद लाभांश घोषित किया है, और साथ ही साथ कंपनी ने पिछले वर्ष के लिए 3 रुपए नगद लाभांश प्रति अंश, ये जो नगद लाभांश होता है ये प्रति अंश घोषित किया हुआ है। 3 रुपए नगद लाभांश प्रति अंश घोषित किया है। लाभांश की एवं नए अंशों की घोषणा पर पुराने अंश बाजार में लाभांश सहित एवं अधिकार सहित 60 रुपए पर उद्धृत किए गए हैं, किए जाते हैं। घोषणा भी की गई है और अधिकार अंशों का निर्गमन भी किया गया है। तो इन फैक्टर्स की वजह से, इन तत्वों की वजह से जो बाजार मूल्य है इस कंपनी के अंश का वो 60 रुपए पहुंच गया है। 10 रुपए अंकित मूल्य का अंश है, 27 रुपए पर इनको अब निर्गमित किया जा रहा है, लेकिन इनका बाजार मूल्य 60 रुपए पहुंच गया है, क्योंकि लाभांश की घोषणा भी की गई है 3 रुपए प्रति अंश और अधिकार अंशों का निर्गमन भी किया गया है, इसलिए इन अंशों का जो बाजार मूल्य है वो 60 रुपए है। लेकिन 60 रुपए जो बाजार मूल्य हुआ है वो लाभांश सहित एवं अधिकार सहित है। तो बाजार मूल्य में लाभांश की राशि और अधिकार का मूल्य दोनों सम्मिलित है। बाजार मूल्य में सम्मिलित अधिकार का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 60 रुपए बाजार मूल्य है इसमें लाभांश की राशि भी सम्मिलित है प्रति अंश, और प्रति अंश अधिकार का मूल्य भी शामिल है। तो बाजार मूल्य में सम्मिलित हमको अधिकार का मूल्य ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ राइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमने वैल्यू ऑफ राइट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वैल्यू ऑफ राइट। अगर कोई विद्यमान अंशधारी जिसको अधिकार अंशों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वो अगर अपने इस अधिकार को बेचना चाहे, जिस किसी अंशधारी के पास में 5 अंश है उसको 4 अंश खरीदने के लिए प्रस्ताव मिला है, प्रस्ताव दिया गया है, तो अगर कोई अंशधारी इन अधिकार अंशों को ना खरीदना चाहे और अपने इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहे तो वो अपने अधिकार को बेच सकता है। तो 60 रुपए बाजार मूल्य है और इसमें अधिकार का मूल्य भी सम्मिलित है, तो उस अधिकार का कितना मूल्य वो प्राप्त कर सकेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस जो इसको अधिकार है 5 के बदले 4 अंश खरीदने का जो अधिकार इसको प्राप्त हुआ विद्यमान अंशधारी को, वो विद्यमान अंशधारी अगर अपने अधिकार को बेचना चाहे तो उस अधिकार का कितना मूल्य वसूल करेगा उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ राइट अधिकार का मूल्य फॉर्मूला था नंबर ऑफ राइट शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ राइट शेयर्स
प्लस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। बाजार मूल्य का निर्गमन मूल्य पे जो आनुपातिक आधिक्य है, जो प्रोपोर्शनेट एक्सेस अमाउंट है मार्केट वैल्यू का इश्यू प्राइस से, वही अधिकार का मूल्य कहलाता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार नंबर ऑफ राइट शेयर्स है चार, क्योंकि चार अंश निर्मित किए जा रहे हैं, चार अंशों का निर्गमन का प्रस्ताव दिया गया है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स है चार, और नीचे हमको लिखना है नंबर ऑफ राइट शेयर्स प्लस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। जिनके पास पांच है वर्तमान में, एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर पांच है तो उसको चार अंश दिए जाएंगे, इसलिए एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है उनकी संख्या है पांच इंटू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 60 रुपए दिया गया है, लेकिन 60 रुपए में लाभांश की राशि भी सम्मिलित है, लाभांश है। तो हमको मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, एक्स डिविडेंड, ये कम डिविडेंड लाभांश सही का मतलब होता है कम डिविडेंड और कम राइट। तो मार्केट वैल्यू कम डिविडेंड कम राइट हमको दी गई है 60 रुपए, जबकि हमको लाभांश का मूल्य निकाल देना है, और उसके बाद जो इसमें अधिकार का मूल्य शामिल है वो हमको ज्ञात करना है। तो मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड कम राइट पर शेयर होगा साठ रुपए। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, लाभांश सहित है, हमको लाभांश की राशि निकालनी है, तो 3 रुपए प्रति अंश लाभांश घोषित किया गया है। तो 60 रुपए में 3 रुपए लाभांश की राशि शामिल है, तो लाभांश सहित है, इसे लाभ की राशि निकालने के बाद 57 रुपए बाजार मूल्य होगा। और इस 57 रुपए में लाभांश की राशि शामिल नहीं है, लाभांश की राशि हमने निकाल दी, तो लाभांश सहित है, लेकिन अभी भी अधिकार का मूल्य इसमें सम्मिलित है, अधिकार सहित है। तो ये मार्केट प्राइस कम राइट है 57 रुपए। तो 57 रुपए मार्केट प्राइस कम राइट है, जिसमें से इश्यू प्राइस 27 रुपए हम घटा देंगे, और इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर आता है 4/9 × 30, 57 में से 27 माइनस कर देंगे, तो 30, 4 और 5 हमने ऐड कर दिया। और इसको अगर आगे अगर करें 4/9 × 30, ये आता है 13.33। तो वैल्यू ऑफ राइट अधिकार का मूल्य है 13.33। अब अधिकार का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने एक वैकल्पिक सूत्र ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला की बात की थी, तो उस ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से अगर हम इसको सोल्व करें तो किस प्रकार से कहेंगे। तो अगर कोई अंशधारी जो उसको विद्यमान अंशधारी जिसको चार अधिकार अंशों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अगर अपने अधिकार को बेचता है, तो एक अंश के अधिकार को बेचने के पीछे वो 13.33 रुपए प्राप्त करेगा अधिकार का मूल्य। और जो वैकल्पिक सूत्र है ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, वो है मार्केट प्राइस माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस प्लस
नंबर ऑफ प्राइवेट शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस तो जो वैकल्पिक सूत्र है जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो है मार्केट प्राइस माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस अपॉन नंबर ऑफ राइट शेयर्स प्लस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स तो मार्केट प्राइस है 57 रुपए और क्योंकि 57 रुपए एक्स डिविडेंड का डिविडेंड निकालने के बाद में मार्केट प्राइस है 57 रुपए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स है 5 मार्केट प्राइस है 57 रुपए प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स है 4 और इश्यू प्राइस है 27 रुपए अपॉन नंबर ऑफ राइट शेयर्स प्लस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स 5 के बदले 4 अधिकार अंश दिए जा रहे हैं तो 5 जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसके बदले 4 राइट शेयर्स दिए जा रहे हैं इसको आगे हल करेंगे 57 माइनस 5 को 57 से गुणा करेंगे तो आता है 285 प्लस 4 को 27 से गुणा करेंगे तो आ रहा है 108 9 का भाग लगा देंगे या इसको अगर आगे हल करें तो 57 माइनस 285 प्लस 108 393 9 अगर इसको हल कर लिया जाए 393 में 9 का भाग लगाएं तो आता है 43.66 या 67 तो 57 में से 43.67 अगर माइनस करें तो ये आता है 13.33 तो वैल्यू ऑफ राइट है 13 रुपए 33 पैसे 13.33 तो वैकल्पिक सूत्र से भी हमने जब वैल्यू ऑफ राइट ज्ञात की तो जो वैल्यू ऑफ राइट है वो सेम ही आ रहा है समान आ रहा है तो इन दोनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करके हम अधिकार का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।